हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। लो जी, आप आ गए तोड़े कोल पेपर नंबर 5 ते। पेपर हैगा ए 5, पार्ट हैगा तोड़े कोल एदा 1। ठीक है जी, तो किदे लई हैगा? 8th लई हैगा, PSEB दा हैगा तोड़े कोल। ठीक है जी, अगर आप 5 पेपर कर ले तो समझ लो आप टॉपर्स दे विच हाँ। ठीक है, सो लो जी, पहला क्वेश्चन। हुण तक तुहानू इन्नी प्रैक्टिस होगी, तुसीं एक पेज नू 3-4 मिनट कर दोगे। गुणात्मक उल्ट, सिर्फ रकम उल्टानी है। 5/1 दा 1/5 कर दो। पहला क्वेश्चन फिनिश जी, खाली थमा भरो। देखो 4/5 हैगा, 4/5 माइनस दा है, माइनस दा कौन आऊगा इत्थे? 1/5 कमोटेटिव क्रम बटांतरा होया होया, सो 1/5। देखो माइनस 4/5 इधर हैगा, 5, 1/5 इधर है, नहीं कर दो पूरा उधर। ठीक है जी, से आराम ना। हेठ लिखियां विचों केड़ी संख्या अपने ही उल्ट क्रम दे बराबर है? एक 1 होंदी हुंदी, एक -1, दो ही होंदी है अपने उल्ट क्रम दे। इत्थे -1 हैगी है, सो ऑप्शन ट्रू होगी जी। सो इजी है जी, कोई एडे रोले वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल। ठीक है, 3-4 मिनट च एक पेज सॉल्व हो जाना हैगा है, सो ध्यान नाल देखो। ठीक है, 3/3 जिहड़ा 5 है ते 4/5 विच किन्नियां परमेय संख्यावां है? अगर दो नंबर होण उहनां च अनंत इनफाइनाइट परमेय संख्यावां हुंदियां ने, सो इहदा मतलब है इहदा आंसर अनंत आ गया। सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं जी। 5 भुज दे बारी कोणां दा जोड़। बारी कोण जिहड़ी मर्जी आ जाए, चाहे 5 भुज आ जाए, चाहे 6 भुज आ जाए, चाहे 7 भुज आ जाए, 360 डिग्री ही हुंदा है। ख्याल रखना बारी हमेशा 360 डिग्री हुंदा है। ते जे अंदरूनी पूछिया जावे तुहाडे कोल अंदरूनी कोण, तां उहदा फार्मूला याद रखना n-2 × 180 डिग्री। सो जे अंदरूनी पुछदे तां तुसीं उरे 5 भर दिंदे, 5 - 2 × क्योंकि पिछले पेपरां च अंदरूनी दी गल होई सी, तो 18 * 3 = 54, सो 540। सो जे अंदरूनी दी गल आवे तां तुसीं 540 रहना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, अंदरूनी। ठीक है जी, सो 1 मिनट रुक, इरेज कर दिए। ठीक है जी, सो एक ख्याल रखना जी, बारी कोण आ गए। बारी कोण लई हमेशा तुसी तरीका रखना है, जेड़ी मर्जी होवे तुहाडे कोल 5 पूजी, 6 पूजी, 7 पूजी, 360 ही लेना है। ठीक हो गया जी, सो मेरा ख्याल है जी ईजी थोनू गल समझ आ गई बड़े आराम नाल। एक सम चतुर्भुज दे बारी कोण दा माप पता करो जेकर भुजावां दी गिणती 12 है। सो बारी कोण कढ़ना है, 360 डिग्री नूं भुजावां नाल भाग कर देना है, भुजावां दी गिणती नाल। हुण 360 डिग्री तुसीं उपर रख लिया, भुजावां दी गिणती जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल नीचे रखती। ठीक है, 12, सो 12 * 30 = 36, 30 डिग्री आ गया तुहाडे कोल। सो 30 डिग्री आ गया जिहड़ा मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बारी कोण जिहड़ा हैगा तुहाडा। 360 नूं बस भुजावां नाल भाग कर देना, 360 नूं भुजावां नाल भाग करोगे तां तुहाडा जिहड़ा आंसर आ जाएगा। सो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल दे उत्ते वी इक क्वेश्चन लाजमी आउणा है। हेठ लिखियां विचों केड़ा कथन सही नहीं है? ठीक है, सो कलर चेंज कर लिए जी आपां। ठीक है जी, सो सारे वर्ग आयत हुंदे हन। ठीक है, सो जे तुसी वर्ग बनाउंदे हो, आ तुसी वर्ग बनाया, यदि आमने सामने वाली साइड बराबर है, ए बराबर है, आपस सारे एंगल 90 डिग्री हैं, सो ए सारिया कंडीशन सैटिस्फाई करता, तो सारे वर्ग आयत होंगे ने। ठीक है, सारिया पतंगा समांतर चतुर्भुज होंगे हैं? नहीं, पतंग कुछ इदा की होंगी है, तो समांतर चतुर्भुज जरूरी नहीं कि बने, तो ये वाली पोर्शन थोड़ा गलत होएगा। सारे वर्ग सम चतुर्भुज आयत भी होंगे हैं। ठीक है, सारे वर्ग वर्ग तुसी इदां दा बनाओगे ना, वो आयत भी होगा ते सम चतुर्भुज, ये ठीक है। सारे सारे आयत चतुर्भुज होंदे हन, सो सारे आयत चतुर्भुज होंदे हन। सो क्वेश्चन केड़ा गलत होया जी तुहाडे कोल? सो बी ऑप्शन तुहाडे कोल गलत होगी। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखो जी तुहाडे कोल। कहिंदा जेकर एक संख्या दे वर्ग दा इकाई अंक 1 होवे। ठीक है जी, वर्ग दे इकाई अंक 1 होवे तां ओह संख्या दा इकाई अंक केड़ा होएगा? वर्ग करे ते 1 बनदा, इहदा वर्ग करे ते 25 बनदा, इकाई अंक 5 होया, इहदा वर्ग करे ते 4 बनदा, इहदा वर्ग 9, इहदा 9 नाल ही किया सी, इकाई अंक 1 बनदा। सो आंसर थोड़ा आ होएगा। ठीक है,
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 1 ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ 5 ਦਾ ਵਰਗ 25 ਕਰੋਗੇ, ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 9 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, 17 ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ 32 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਣ ਬਣ ਜੇ। ਸੋ 32 ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੂਣੀ 8 ਦੂਣੀ 16 ਦੂਣਾ 32, ਆ ਪੂਰਾ ਆ ਪੂਰਾ। ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, 2 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 2 ਦੇ ਜੋਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੋ 32 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵਰਗ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, 2 2 ਦੇ ਜੋਟੇ। ਸੋ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।